अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वाहिका वर्ल्ड से मैं मुहसिन आज आपके सामने एक और रेसिपी के साथ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एग मसाला फ्राई। ये बनाना बहुत ही आसान है, थोड़े ही टाइम में कुछ अच्छा सा बनाना हो तो ये रेसिपी फटाक से बन जाती है। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, मैंने 7 अंडे लिए हैं और उबाल कर रख लिया है। प्याज को बारीक फाइन चॉप कर लिया है, रफली चॉप्ड टमाटर, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और तेल। अब आप भी फटाफट से इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। टमाटर को मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड करके पेस्ट कर लेते हैं, इसे साइड में रख लेंगे। अब स्टोव ऑन करके फ्राइंग पैन रखकर उसमें थोड़ा तेल डालकर गरम कर लेंगे। इसमें कटी हुई प्याज डालकर कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर कच्चापन जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हरा धनिया डालकर थोड़ा सा फ्राई करके अब इसमें सारे मसाले डालकर फिर से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से पका लेते हैं। फिर इसमें हम अंडों को इस तरह से कट्स लगाकर इसमें डाल देंगे। हल्के से मिक्स करके लिड ढककर 5 से 10 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। मैंने इसको लिड ढककर रख दिया है। ये देखिए, ग्रेवी में सारा पानी सूख गया है दोस्तों, मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क कर प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम स्टोव बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक मसाला फ्राई हमारा बन गया है। इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, खिचड़ी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके आपके सजेशंस भी दे सकते हैं दोस्तों, हमें अच्छा लगेगा आपके कॉमेंट्स पढ़कर। और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।